नमस्ते, मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े, वेनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट का अध्यक्ष, और मैं फिलहाल अभी हूँ पुणे में। और पुणे से हम लोग भारत के हर कोने में नशा मुक्ति अभियान के जरिए आप तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, नशा मुक्ति अभियान जो है, ये अभियान उन सारे लोगों के लिए है जो लोग इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज में काम करते करते खुद का अर्निंग सोर्स भी बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि घर बैठे बैठे काम करे, उन सभी के लिए ये बेसिकली हम लोग अभियान चला रहे हैं, बिना बताए घर बैठे और कम खर्चे में नशा मुक्ति हम के कर सकते हैं। बिना बताए मतलब जो पेशेंट है उनको बिना बताए हम उनकी उनका जो नशा है वो पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। घर बैठे मतलब उनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये जो नशा मुक्ति अभियान आपके घर से चला सकते हो, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम खर्चा, आपका भी कम खर्चा होगा और जो नशे से मुक्त करवाना चाहते हैं, जो परिवार जो है वो नशे से मुक्त होने चाहते हैं, उनका भी कम खर्चे में ये पूरी तरह से काम होने वाला है। किस तरह से करेंगे, तो नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त परिवार में एक बड़ी पहल है जो वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट ने 2012 में शुरू की थी। उसका उद्देश्य ये था कि जितने भी लोग नशे में हैं उनको उनमें से बाहर निकालना, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग इस नशे से बाहर निकले, मुक्त हो जाए और कम खर्चे में हो जाए, उनको हमको एक चांस, एक मौका देने के लिए ये नशा मुक्त परिवार हमने अभियान शुरू किया। क्या कर सकते हैं आप लोग उसमें, तो सबसे पहले जागरूकता प्रोग्राम, आपको पूरी अथॉरिटी दी जाती है वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट में। आपको ज्वाइन होने के बाद में आप खुद जागरूकता प्रोग्राम ले सकते हो। जागरूकता प्रोग्राम के जरिए आप उन ये जो खतरे होते हैं कि बाबा जो भी हम लोग एडिक्शन के शिकार है, जो भी हम लोग नशा कर रहे हैं, उसका आगे चलकर क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीजें जो है वो आप वहां पर जाकर उस प्रोग्राम में जाकर लोगों तक पहुंचा सकते हो। शिक्षा संस्थानों में ध्यान देना, याद रहे, अगर आपने फेसबुक के जरिए अगर मुझसे जुड़े हो तो आप एक बार जा सकते हो मेरे फेसबुक में, वहां पर हमने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल में कॉलेज में हम लोग जाते हैं, वहां पर पैसे के लिए हमको बुलाया भी जाता है, वो ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं, उनके एजेंडा में ये प्रोग्राम है कि हम लोग वहां पर कोई संस्था जाए, कोई लोग वहां पर जाए और बच्चों को वो पूरा ध्यान दे, बच्चों के ऊपर उनको उनको संस्कार दे, बच्चों को उनके जो जो ये जो जो, जो जो भी नशा कर रहे हैं या फिर नशा ना करे उसके लिए उनको उनको जागरूकता फैलाए। तो ये प्रोग्राम जो है वो शिक्षा संस्थानों में आप कर सकते हो, विश्वविद्यालय में के कैंपस में जाके कर सकते हो, ये उनके एजेंडा में है। आप इसके अलावा समुदाय में जाकर भी जागरूकता दे सकते हो। समुदाय में मतलब क्या, गार्डन में लोग बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर आप उनसे उनसे बातचीत कर सकते हो, या फिर आप ये प्रोग्राम कोई सोसाइटीज में जाकर भी उनमें कर सकते हो। महिला मंडल होते हैं उनको जाकर आप उनको बता सकते हो, बचत गढ़ का बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो बचत गढ़ चलाती है, वहां पर जाकर उनको आप बता सकते हो, उनसे जागृति फैला सकते हो। और हमारा उद्देश्य वैसे के लिए क्या है कि हमने देखा हुआ है कि आजकल हर घर में कोई ना कोई नशा करता है। पहले ऐसा था कि 10 घर छोड़ने के बाद एक घर ऐसा मिलता था जहां पर नशा होता है, लेकिन अभी वैसा नहीं है, हर घर में एक पर्सन मिल जाता है कि जो नशा कर रहा है। और हम लोग पिछले 15 साल से दवाई के जरिए इस नशे को हम लोग मुक्त करवा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, खुद होकर लोग नहीं चाहते कि हम लोग इस नशे से मुक्त हो जाए, उनको करना है, उनको अच्छा लगता है, एडिक्शन हो चुका है। तो ये एडिक्टिव पीपल को हम लोग कितना भी बोले कि बाबा हमको दवाई से मुक्त करनी है, या फिर आप हमारे पास दवाई है आप ले लो, या फिर आप हमारे पास आ जाओ काउंसलिंग करो, वो लोग नहीं आते। एक बार या फिर दो बार आएंगे, बाद में नहीं आते। ये मेरा पिछला 15 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो हम लोग दवाई उनको देते हैं, घर वालों को देते हैं और उनको न बताकर, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि उनको बताने की जरूरत नहीं है, विदाउट उनका नॉलेज उनके खाने में डाल दो, चाय में, कॉफी में, दूध में हो या जूस में हो या फिर चपाती में हो या फिर कोई भी सब्जी में हो, वो डालकर हम लोग उनको नशे से मुक्त कर सकते हैं। हमें तलाश है ऐसे लोगों की जो एनजीओ चलाते हैं या फिर घर बैठे बैठे काम करने के लिए कोई महिला अगर होगी या फिर कोई रिटायर्ड अगर कोई पर्सन होगा
या फिर ऐसे भी लोग जो चाहते हैं कि मेरा साइड बिजनेस हो, ऐसे सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने ओपन रखा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि उसमें कि ये जो मॉडल हमने जो रेडी किया हुआ है कि इस मॉडल के जरिए आप किसी भी नशे को आसानी से छुड़वा सकते हो। मॉडल नंबर है हमारा, जो हमने मॉडल तैयार किया हुआ है, तो इस मॉडल के जरिए आप किसी भी नशे को आसानी से छुड़वा सकते हो। इसमें दारू की लत महज 10 दिनों में अगर कोई पर्सन दारू पी रहा है, सुबह दोपहर शाम उसको लत लग चुकी है, फिर भी ये दवाई खाने के बाद में 10 दिनों में ये बंदा दारू से मुक्त हो जाता है। गुटखा तंबाकू जो होती है या फिर चरस है, गांजा है, और कोई ऐसे कोई अगर नशा कर रहा है तो उसके लिए कम से कम 40 दिन लगते हैं। और देखा गया है कि कुछ कुछ चरस, गांजा या फिर जैसे जो चीजें हैं उनमें क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा एडिक्शन अगर होगा, देखिए अगर 1 साल के अंदर वाला एडिक्शन है वो नॉर्मल 40 दिन में छूट जाएगा, लेकिन 1 साल 2 साल के ऊपर वाले हैं तो उनको कम से कम 3 महीना हमको देना पड़ेगा, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर छूट जाता है। सभी की दवाई अलग अलग होती है, तो आपको बकायदा पहले बताना पड़ेगा कि कौन सी आपको क्या एडिक्शन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, उस हिसाब से आपको दवाई वहां पर भेजी जाती है। यह मॉडल के ऊपर हम पिछले 1500 से काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें ये बार बार ये बता रहा हूं कि हम लोग जो 1500 से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमको वेल एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस जो है वो इतना तगड़ा हो चुका है कि आप बस बता दो कि ये कौन सा एडिक्शन है और हम लोग फटाफट आपको बता देंगे, फोन पर ही बता देंगे आपको कि आपको कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा। और अब हम चाहते हैं कि भारत के हर एक कोने में नशा मुक्ति की शुरुआत हो, ये जरूरी है। भारत के हर कोने में नशा मुक्ति की जरूरी है नशा मुक्त होना, ये करना ही होगा। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ एडिक्शन की दवाई है, एडिक्शन की जो दवाई है ये किसी को पता ही नहीं है। और ये काम पूरी तरह से सटीक होने के लिए हम आसानी से उस संस्था के जरिए 100% गारंटी देना चाहते हैं कि ये दवाई की हम लोग 100% गारंटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी आपके केस हो, आपके पास कोई भी केस आए, वो 100% उस नशे से मुक्त होने ही वाला है, इतनी गारंटी आपको संस्था दे रही है। क्या है, बिन बताए शराब छुड़वाना, क्या लाभ है उसमें? जो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनकी शराब 10 दिनों में छूट जाती है, काम पर जाने की इच्छा बढ़ जाती है, क्रोध, बेचैनी, आलस्य, ऊब जैसी तो जो भी समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है, चिड़चिड़ापन पूरी तरह से कम हो जाता है और उनका मन हमेशा शांत रहता है। मतलब वो पर्सन अगर चिड़चिड़ापन कर रहा है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिन बताए शराब छुड़वाए का दवा का लक्षण क्या क्या है कि दवा शुरू करने के बाद, शराब पीने के बाद अस्वस्थ महसूस हो सकता है, आंखें या चेहरा थोड़ा सा लाल होना या फिर मतली या कोई उल्टी आना, ये सामान्य लक्षण है। लोगों को लगता है कि एडिक्शन छूटे लेकिन कुछ भी असर ना हो, उनको कुछ बिल्कुल समझ में नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। बिकॉज ये जो देखिए दारू का जो है ना, वो दारू का जो संबंध है वो लीवर से है, और जब तक लीवर साफ नहीं होगा बंदे का दारू नहीं छूटने वाला। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। उसका एक पूरा पीपीटी आपको दिया जाएगा, अलग से पीपीटी है, क्योंकि ये पीपीटी थोड़ा सा लंबा है और मैं चाहता हूँ कि किस तरह से हम लोग इसमें ज्वाइनिंग हो सकते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज्वाइनिंग होने वाला है उसको पूरी तरह से प्रॉपरली एक ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये बस मैं बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, पर डरने वाली कोई चीज होती नहीं है। क्या ध्यान देना है, दिन में एक बार ही दवाई देनी है, और वो भी 3 चुटकी। 3 चुटकी का मतलब क्या होता है, इन दो हाथों में इस तरह से उसको उठाओ और 3 चुटकी सब्जी में या फिर चाय में या फिर दूध में या फिर जूस में या फिर चपाती जो जब बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, उसमें आप डालकर उसको देना है। 8 दिनों में अगर कोई भी लक्षण नजर नहीं आते तो हमको संपर्क करना है। यहाँ पर मैंने बताया है, कभी कभी हर एक की बॉडी अलग अलग है, तो हर एक की बॉडी अलग अलग होने के बाद उसमें ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको 8 दिन में, मैंने कहा कि 10 दिन में छूटनी चाहिए, लेकिन 8 दिन में अगर कुछ अगर असर नजर नहीं आ रहा है, कोई मतली नहीं है, कोई उल्टी नहीं है, कोई अगर लक्षण नजर नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत हमसे संपर्क करना है, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है ताकि आने वाले 2 से 3 दिन में उनमें वो असर नजर आए। दवाई का समय का पालन करें। अगर आपको पता है कि ये अब जो भी पर्सन नशा कर रहा है वो शाम को अच्छा खाना खाता है तो शाम को दवाई देना शुरू करो। अगर वो सुबह अगर
पॉसिबल है, सुबह अगर वो जो मिल रहा है सुबह अगर वो चाय कॉफी दूध में अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उनको सुबह दे दो। एक बार अगर सुबह दवाई चालू की है तो 3 महीने तक उनको जो दवाई है वो सुबह ही देना है, अगर शाम को शुरू की तो शाम को देनी है। और उपरोक्त में से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर भी दवाई को निर्देश अनुसार जारी रखना है। कुछ भी हो जाए, उनको उल्टी हो, उनको पसीना आए, उनकी धड़कने तेज हो जाए, फिर भी दवाई जो बताई गई है दिन में एक बार देनी ही देनी है, टाइम का पालन करना ही करना है। नींबू पानी ग्लूकोन दे सकते हैं जिससे उनको जो तकलीफ हो रही है वो कम हो जाएगी। अगर 5 से ज्यादा अगर उल्टी होती है, अगर वॉमिटिंग अगर दिन में 5 से ज्यादा होती है तो कोई भी मेडिकल में वॉमिटिंग बंद होने की दवाई मिलेगी, छोटी दवाई होती है 1 रुपीज और 2 रुपीज की, वो दे दो तो उनकी उल्टियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ये तभी करना है जब कम से कम 5 के ऊपर उनको वॉमिटिंग हो गई हो। थोड़ा सा स्लाइड यहाँ पे खराब है, यहाँ हम लोग 2 मॉडल में काम करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर एक ही मॉडल में काम करना चाहेंगे, अभी 1 महीने में एक ही हम लोग काम करेंगे। इसका बेसिकली मॉडल का जो फीस हमने यहाँ पर रखा हुआ है दैट इज रजिस्ट्रेशन चार्जेस 500 रुपीज। इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा तो 3 महीने की दवाई है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जिसमें ट्रेनिंग, अपॉइंटमेंट लेटर, 1 साल का एडवर्टाइजिंग सपोर्ट जिसमें आपको मोबाइल नंबर, नाम तथा पता आपको वहां पर मेंशन रहेगा। मतलब देखिए, अगर आपको ये पूरी तरह से ज्वाइनिंग करना है तो आपको आपने देखा होगा वहां पर मैंने कहा कि 10 दिन में दारू छूट जाएगी, लेकिन मैंने कहा कि 3 महीने की दवाई इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसके ऊपर आना चाहता हूँ, 10 दिन में तो दारू छूट जाएगी लेकिन उनके खून में और लीवर में जो इम्पैक्ट हुआ है इतने सालों से, इतने मेहनत से दारू पीने के बाद में, वो पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपना शरीर कम से कम 3 महीने लेता है। तो शुद्धिकरण करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि 3 महीने लगातार उनका सेवन करें। तो ये जो पैकेज हमने डिजाइन किया हुआ है मात्र 5,400 रुपीज का जो पैकेज है, आपको 1 टाइम उसमें पे करना है 5,400 रुपीज, जिसमें आपको 3 महीने की दवाई दी जाती है दारू छोड़ने वाली, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस इसमें इंक्लूड है, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और 1 साल तक एडवर्टाइजिंग सपोर्ट दिया जाएगा। आपको एडवर्टाइजिंग हम लोग देंगे आपके नाम का, आपके नंबर का, क्या मेंशन किया हुआ है इसमें हमारे लेटर हेड पे ब्रांच का नाम होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप अभी पुणे से हूं लेकिन सोलापुर में अगर किसी ने बंदे ने अगर हमारा ब्रांच लिया हुआ है और वो घर बैठे बैठे काम कर रहा है तो वहां पर हमारे लेटर हेड के नीचे आएगा कि हमारी ब्रांच सोलापुर में भी है। तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, जितने भी हम लोग स्लाइड शो चला रहे हैं, जितने भी हम लोग स्लाइड यहाँ पे बनाने वाले शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर आएगा सोलापुर। तो सोलापुर में कौन बंदा है तो उसमें आपका नंबर दिया जाएगा और वहां पर बैठे बैठे वो पर्सन, वो जो कस्टमर है वो आपके पास आएगा, आपको मिलेगा, आपको इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से उनके सवाल क्या क्या हो सकते हैं, उनका जवाब किस तरह से देना है। उसके बाद ये तो हो गया 5,400 रुपीज का 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको इंक्लूडिंग द मेडिसिन है। उसके बाद में 1 साल का पूरा होने के बाद में ओनली आपको 499, अगर आप चाहते हो कि एडवर्टाइजिंग हम आपको दे, बैठे बैठे घर में एडवर्टाइजिंग दे, जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग होने वाली है वो अगर आपको चाहते हो हिंदी इंग्लिश मराठी में बनाकर हम लोग दे, तो ही आपको हर साल में 499 रुपीज पे करना है, अदरवाइज पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, हर 3 महीने के कोर्स में आपको 1,000 रुपीज का कमीशन दिया जाएगा और वही 1 महीने की दवाई में आपको 300 रुपए का कमीशन मिलता है। और क्या करना है आपको, आपको कमीशन काट के ही हमको बाकी की दवाई की चार्ज, मतलब मान लीजिए उसको तो दवाई की चार्जेस अगर जो भी है उसमें से 1,000 रुपीज कट करने कर ही आपको हमको ऑर्डर देनी है। वो जो ऑर्डर है आपके घर में जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया होगा, वो रजिस्टर एड्रेस मेंशन किया होगा, उसमें 5 to 6 working days में आपके घर तक पहुंचाया जाता है। आपको कोई भी कुरियर का या फिर पोस्ट का चार्जेस आपको पे नहीं करना होता है। तो आपका कमीशन 1000 बनेगा, उसमें आपको कोई उसमें कटिंग बिटिंग नहीं होने वाली। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट, अभी देखो अगर जैसे मान लीजिए कोई बंदा अगर बैठा है बॉम्बे में और उसका सोलापुर में या फिर पुणे में या फिर बॉम्बे के बाहर अगर एक्सपायर जगह पर उनका कोई पर्सन है, हो सकता है महाराष्ट्र के बाहर उनका कोई अगर उनका 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 पेशेंट है, तो हम लोग हमारी संस्था जो है वो डायरेक्ट उस एड्रेस पर भी
आपके नाम के जरिए, आपके पोस्ट के जरिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करते हुए वो आपको दवाई वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाने का काम भी करेगी। मतलब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो 1000 का जो कमीशन है वो आपको बकायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप बॉम्बे में बैठे हो और सोलापुर का पेशेंट है तो आप काम कर पाओगे। आप दुनिया के किसी भी कोने का पेशेंट आप ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप घर बैठे बैठे आपने पोस्ट किया हुआ है और सोलापुर का पेशेंट आ गया तो सोलापुर में ट्रांसफर करना, ऐसा नहीं होगा। वो आपका है, आपका कमीशन है। अगर आप चाहते हो तो हम आपके पास पैकेट भिजवाएंगे, आप बंदोबस्त कीजिए सोलापुर में भेजने के लिए, या फिर आप हमको बता सकते हैं ये पैकेट सोलापुर में भेजना है तो हम लोग वो पैकेट सोलापुर में भेज देंगे। बकायदा प्रिंटआउट के ऊपर आपका नाम होगा, बकायदा प्रिंटआउट के ऊपर आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा। मतलब संस्था उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही संस्था अपना नाम वहां पर छापेगी, वो आपका नाम होगा और उस तरह से ये ट्रांसफर पूरी तरह से व्यवहार होगा। एड किस तरह से होगी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो इस तरह से एडवर्टाइज मिलेगी आपको, व्यसन मुक्ति सुखी जीवन, सुखी जीवनाची सुरुवात, करिष्ण सांगता 100% हमी, अशा पद्धतीने तुमचा एक हे असेल, तुमचं इथे वरती नाव येईल, तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर येईल। आता इथे तर माझा पूर्ण ऍड्रेस टाकलेला आहे, यहाँ पर मेरा नंबर, मेरा सभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे और इस तरह से आपको एडवर्टाइज बना के दे देंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से है। क्या क्या है मॉडल आईपी में, क्या क्या है? आपको कम से कम 3 महीने की मेडिसिन स्टॉक में रखनी होती है, ये पहला कंडीशन हमने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है ये कंडीशन? पेशेंट आपके पास आएगा और आपके पास दवाई नहीं है, फिर फायदा क्या उसका? कोई भी पेशेंट आपके पास आने के बाद में अगर वो चाहता है कि उसके घर वाले आ सकते हैं, वो खुद आ सकता है, और आपके पास अगर उसकी दवाई नहीं होगी तो कम से कम 3 महीने का मेडिसिन स्टॉक में रखना है। मैंने जैसे कहा कि 3 महीने का मेडिसिन स्टॉक में आपको रखना होगा। आपको मेडिसिन आपके ऑर्डर देने के बाद तथा आपका मुनाफा कट करके संस्था के में पैसे आने के बाद 5 से 6 दिनों में मिल जाता है। आप भारत के किसी भी कोने में से पेशेंट ले सकते हैं तथा संस्था को पेशेंट के पते पर भी दवाई भेजने के लिए कह सकते हैं। आपसे कुरियर की फी नहीं ली जाएगी, ये मैंने प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कल जाके आपको ऐसा ना लगे कि अरे आप बस मैंने ये बताया है और ये कहीं पर मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर आप ये कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप बवासीर और गुर्दे का जो 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 तकलीफ है उसके लिए भी आप उनको दवाई दे सकते हो। ये दूसरा पेशेंट है जिनको जिनको मूलव्याध की समस्या है, जिनको पाइल की समस्या है, और ये पाइल्स की दवाई भी हम लोग आप दे सकते हो। जब तक दवाई ले रहे हो तब तक चाय, फल, शराब, मटन, मछली, अंडे, मेथी, ग्वार, बैंगन, आलू, साबुदाना खिचड़ी, बादाम, सिगरेट, बीड़ी, बाजार की रोटी, सभी मीठे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, इसको बिल्कुल ना खाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एडिक्शन में काम करना चाहते हो, नशे के ऊपर तो हम लोग काम करेंगे करेंगे, लेकिन अगर आप पाइल्स के ऊपर काम करना चाहते हो, बवासीर के ऊपर, गुर्दे के ऊपर काम करना चाहते हो, तो ये मैंने आपको यहाँ स्लाइड शो इसमें मेंशन किया हुआ है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसका भी पूरी तरह से 100% गारंटी हम लोग देते हैं। अगर 1 साल के अंदर में अगर किसी को पाइल्स हुआ है तो उनको बस 5 दिन की हम लोग दवाई भेजेंगे और इस 5 दिन की दवाई में ही ये पूरी तरह से बंदा ठीक होने वाला है। उसमें एक मलम होता है जो जगह पर लगाना होता है, और उसके बाद में 3 जो मेडिसिन, यहाँ पे जो फोटो लगाया हुआ है, ऐसे आपको मेडिसिन मिलती है जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। 100% उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है प्रतिदिन सुबह 2 गोली, लेकिन हम लोग 3 गोली वहां पर मेंशन करेंगे। खाकर छाछ या दही लेता था दोपहर 2 बजे के तक के बाद ही भोजन करें, जो मेंशन किया हुआ। इसे भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से दवाई हमने बनाई है कि आहार का पालन क्या करना है वो भी बता दिया, और दिन में बस आपको 3 गोली लेनी है, और 3 गोली लेने के बाद में आपको क्या करना है, सुबह खाने के बाद में कम से कम दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं खाना है, लेकिन इन बिटवीन आप दही या छाछ ले सकते हो। इसके अलावा गुर्दे की जो मतलब जो हम लोग उसको मराठी में कहते हैं मुतखड़ा, जो जो पेट में जो जो किसी कारणवश जो जो पत्थर हो जाते हैं, तो ये जो पथरी होती है वो 10 दिन में, मतलब दवाई अगर 8 दिन की हो तो 20 दिन की दिन ही हमको करना है। मतलब पथरी जो है वो पूरी तरह से 10 दिन के बाद में निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर हमने दवाई 8 दिन की दी है, अभी जैसे मैंने कहा था कि 5 दिन की दवाई है, लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट के का जो पथरी का साइज अगर ज्यादा होता है
तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई बढ़ा कर देते हैं, 8 दिन का देते हैं, तो फिर 20 दिन लगते हैं वो पूरी तरह से पथरी को खत्म होने के लिए, नष्ट होने के लिए। इनमें क्या करना है, मटन, चना, अंडा जो है पूरी तरह से बंद करना है, और दोपहर 3 के बाद कुछ नहीं खाना है, उपवास रखिए। मतलब हर रोज जब तक आपकी दवाई चल रही है दोपहर 3 के बाद कुछ नहीं खाना है। ये मैं किसलिए बोल रहा हूँ, पथरी की समस्या के निवारण के लिए बोल रहा हूँ। और ये सबसे पहले 4 और 4 8 दिन की दवाई होती है, और हर रोज शाम को 7 बजे 1.5 गिलास पानी उबाले, उसमें दी गई दवाई डाले और पानी आधा होने तक उबालते रहे, फिर उसको छान कर उसको पीना है, उसके बाद पानी बहुत पिए, दूसरे दिन 11 बजे ही खाना खाए। ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग का ही बेसिकली भाग है हमारा, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हम लोग को करना है, ये आपको बताया है। बवासीर का कोर्स जो है वो 5 दिन का है, और गुर्दे की दवाई जो है वो 4 दिन की होती है, अगर 1 साल के अंदर का हो तो। ये दोनों भी दवाई अगर आपको कोई भी ले लो, ये सिर्फ आपको सिर्फ उसमें 1250 रुपए पे करने होते हैं, लेकिन आप उसमें 1700 से लेकर 1800 तक आप उसको बेच सकते हो मार्केट में, और उसकी भी गारंटी 100% दी जाती है। अलग अलग बीमारी के इलाज पर तथा विद्यार्थी के लिए आप सीधा 20% कमीशन पा सकते हो। ये अभी आ गया थर्ड मॉडल आपके पास में। इस मॉडल में हम लोग क्या बताना चाहते हैं कि आपके पास अगर कोई दूसरा इलाज आए, कोई दूसरा इलाज करवाने के लिए आए, ये नशे को छोड़कर, पथरी को छोड़कर, या गुर्दी का इशू जो सॉरी अपना जो पाइल्स का छोड़कर, जो भी इशू अगर आपके पास आता है, हम लोग हमारी जो संस्था है वो कैंसर, कोमा, पैरालाइज, डायबिटीज, बच्चों की जो समस्या है, शादी नहीं होना या बच्चे नहीं होना, फिर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, या फिर जमीन के प्रॉब्लम्स है, फिर वास्तु के प्रॉब्लम्स है, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि हमारी संस्था जो है वो हीलिंग संस्था है, स्पिरिचुअल संस्था है। अब इसके ऊपर भी आपको 20% कमीशन दिया जाएगा। अगर कोई सीखना चाहता है, आपको किसी को अगर इस स्पिरिचुअलिटी में आना है, तो हमारे पास में डॉक्टरेट का भी सर्टिफिकेशन हम लोग मुहैया करवाते हैं। मतलब स्पिरिचुअल हीलिंग में अगर कोई आएगा तो ए से लेके जेड तक जो भी कोर्सेज वो करना चाहता है, और उसी में अगर उसको डॉक्टरेट करना अगर होगा तो भी हमारे इंस्टीट्यूशन से वो करवा सकता है, उसका भी उसके ऊपर आपको 20% दिया जाएगा। तो आइए, नशा मुक्ति का क्या जो अभियान हमने शुरू किया है उसमें जुड़ने हैं तो आज ही हमको संपर्क करें, कांटेक्ट करें मुझको, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, यही मेरा ये नंबर है। और अगर जो भी फीस है 5400 रुपीज हमने जो फी रखी हुई है, इंक्लूडिंग द मेडिसिन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, अगर किसी को एडवर्टाइजिंग नहीं करना होगा तो आप 400 उसमें माइनस कर सकते हो, रिमेनिंग फी जो है वो आपको इस ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफर का आपको करना है, या फिर आप जीपे और फोन पे भी कर सकते हो। ये सब कुछ करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो आप मेंशन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन एड्रेस मेंशन करना चाहते हो वो दे दीजिए, क्योंकि बाकायदा उसका पूरा मेंशन होना चाहिए अपने ट्रस्ट में, ये आपको पूरा करना है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7507700770 पर। ये हमारा संस्था का एड्रेस है, जो अभी हमारा जो संस्था है वो भैरव नगर धानोरी रोड पुणे में स्थायित है। और अगर आप चाहते हो मुझसे आके मिले और मिलने के बाद में डिसीजन लें, तो आप बकायदा कांटेक्ट जो दिया हुआ है उस कांटेक्ट नंबर पे फोन करके अकाउंट में लेकर आ जाइए। आपको बकायदा यहाँ पर पूरी तरह से सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो तो ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी हमारी संस्था में, या फिर आपको ऑनलाइन के जरिए भी ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाएगी। देखिए, संस्था हर एक चीज के ऊपर गारंटी ले रही है, तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको बस अच्छे काम के लिए, आपको समाज में पूरी तरह से परिवर्तन है वो लाने के लिए आगे आप बढ़ना होगा, और जो समाज में जो परिवर्तन हम लोग बढ़ लेना, जो भी करना चाहते हैं उस समाज में परिवर्तन लाने हेतु हम आपको, आपका हाथ जो है वो हाथ हमारे संस्था में बटाना होगा, बस यही करना है। तो आइए जुड़ जाइए वीनस स्पिरिचुअल हीलिंग कम्युनिटी ट्रस्ट के साथ में। हम लोग आपके जरिए पहुंचना चाहते हैं हर एक नशे के जो व्यक्ति है, जो भी उससे उस लत से बेसिकली जो परेशान है, उसको छुड़ाने के लिए। धन्यवाद।